दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ की जो आपको पता होने चाहिए और कई बार डेली लाइफ में इनको यूज़ भी किया जाता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कार्डियो वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है। पल्मों की अगर बात करें तो पल्मो वर्ड लंग्स के लिए यूज़ होता है। कार्डियो में आपको सुनना होगा बहुत सारी बीमारी रहती हैं, जैसे कार्डियक तो हार्ट को बोलते हैं, साथ में इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी है जो कि हार्ट की बीमारी है। पल्मो लंग्स के लिए यूज़ होता है। आपने सुना होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब हार्ट लंग्स में क्लॉट हो जाता है तो बोलते हैं। ओरल की अगर बात करें तो माउथ के लिए बोलते हैं। कभी भी जब माउथ में प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर ज़्यादातर ओरल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रो यूज़ होता है स्टोमक के लिए। अगर नेफ्रो या रीनल की बात करें तो ये किडनी के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर किडनी में जब स्टोन बन जाता है, यानी कि जिसको हिंदी में पत्थरी बोलते हैं, तो पत्थरी का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको बोलते हैं रीनल कैलिकुलाई, यानी कि रीनल कैलिकुलाई मतलब होता है यहाँ स्टोन और रीनल मतलब होता है किडनी, यानी किडनी में स्टोन्स है। अगर थोरैसिक की बात करें तो थोरैसिक चेस्ट के लिए यूज़ होता है। याद रखिएगा, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है जबकि थोरैसिक मतलब पूरा चेस्ट रीजन। डर्मा का मतलब स्किन होता है। कभी भी जब आपकी स्किन में प्रॉब्लम होता है तो आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। इसके अलावा हेपेटो लीवर के लिए यूज़ होता है। कभी भी अगर लीवर में दिक्कत आती है या लीवर से रिलेटेड कोई भी वर्ड का इस्तेमाल करना रहता है तो हम हेपेटो वर्ड यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।